आज मैं आपको देने वाला हूँ कुछ ऐसे तीन शेडर्स जो कि आपके लो एंड डिवाइसेस यानी कि 2 GB या फिर 3 GB वाले फोन में भी चल जाएगा। तो लेट्स बिगिन गाइस। नंबर 1 पे हमारे पास जो शेडर है, इस शेडर का नाम है फैंसी शेडर। देख सकते हैं सन एकदम गोल, बादल ऐसे छाव छाव वाले बने हुए हैं। बात करें अगर हम कि इसके अंदर हमें टेक्सचर क्या क्या मिलता है, तो टेक्सचर का इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा की लीव्स रोटेट करते हैं। इसके बाद जो घास फूस है ये भी आप देख सकते हैं विगल कर रही है यानी हिल रही है। उसके बाद अगर हम पानी के क्वालिटी की बात करें तो पानी काफ़ी अच्छा है। पानी आप देखोगे ऊपर से एकदम क्लियर है, एकदम कांच की तरह है। और नीचे भी अगर आप जैसे ही स्विम करोगे तो आपको दिखाते हैं नीचे पानी के नीचे कैसे, तो पानी के नीचे कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो एकदम क्लियर है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ऐसे कुछ पार्टिकल्स भी दिखेंगे। ये देखिए ये वाला जैसे है ना, पानी के नीचे का ये एक पार्टिकल है, तो ऐसे पार्टिकल्स घूमते। और एक फॉगी सा टेक्सचर डाल रखा है, बस इतना ही कुछ है। बाकी ये लो एंड डिवाइसेस के लिए काफ़ी अच्छा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट शेडर की तरफ। नेक्स्ट शेडर है, इसका नाम है FCPE शेडर। अब ये जो शेडर है ये काफ़ी एक लाइट ग्राफिक शेडर है, मतलब इसमें ना आपको कोई ऐसे फीचर्स दिए जाते हैं कि कुछ भी विगल करता है। लेकिन अगर हम इसकी वाइब्रांट की बात करें तो इसके अंदर एक काफ़ी एक लाइटिंग है, मतलब आप देख सकते हो काफ़ी लाइट से टेक्सचर है इसका, वाइब्रांट काफ़ी ज़्यादा है इसीलिए आपको ऐसा टेक्सचर मिल रहा है। बाकी कुछ चीज़ की चेंज की बात करें तो कुछ इधर है नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ कलर्स थोड़े एनहेंस कर दिए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास। अगर मैं प्लैंक्स आपको प्लेस करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं नॉर्मल अकेशिया प्लैंक की भी मैं आपको एक साइड में फोटो दे देता हूँ। ये एक FCPE शेडर के अंदर अकेशिया प्लैंक कुछ ऐसा लगता है, और ये एक ओक का प्लैंक है। आप देख सकते हो कि कलर जो है काफ़ी ज़्यादा एनहांस किए गए हैं, और यहाँ पे कुछ भी विगल नहीं करता। अब अगर मैं जूम करके भी दिखा दूँ तो आप देख सकते हो कुछ भी विगल नहीं कर रहा है। बात करें तो पानी की, तो पानी पहले वाले में से यहाँ पे हल्का ब्लूइश सा टेक्सचर मिलता है और थोड़ा बहुत रियलिस्टिक भी लग रहा है। अगर हम पानी के अंदर की बात करें तो पानी के अंदर जो सेम पहले एड ऑन वाले सो पहले टेक्सचर पैक वाला ही इसके अंदर पार्टिकल्स हमें मिल जाते हैं जो कि मूवेबल है, तो मूव कर रहे हैं। बाकी पानी नॉर्मल माइनक्राफ्ट जैसे ही है। तो अगर आप अपने लो एंड डिवाइस के लिए एक ऐसा शेडर ढूंढ रहे हैं जो कि माइनक्राफ्ट का आपका क्लासिक एक्सपीरियंस दे, तो ये शेडर उसके लिए बेस्ट है। बाकी ये ज़्यादातर फोन्स में ही बिना लैग फ्री के वर्क करता है, और कोई टेक्सचर में इसमें एक्स्ट्रा टेक्सचर नहीं दिया जाता, आप देख सकते हैं। तो बस यही है इस शेडर के अंदर। ये 1 GB और 2 GB वालों में बहुत अच्छे से वर्क करेगा, बिल्कुल लैग फ्री है ये शेडर, किसी भी फोन में ये चल सकता है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे शेडर्स के अंदर आते हैं, और लो एंड डिवाइस के हिसाब से सबसे अच्छा और सबसे एनहांस्ड शेडर है ये शेडर। इसका नाम है इटर्नल शेडर। सब बात करते हैं थर्ड एंड फाइनल शेडर के बारे में। ये मूव कर रहा है, ये काफी बड़ी डिटेलिंग है, और हम देखेंगे तो नीचे से पानी काफी क्लियर है, और पानी के अंदर जाते ही आपको दूर डिस्टेंस में हल्का एक ब्लूइश सा टेक्सचर आने लगेगा। विगलिंग के टेक्सचर काफी अच्छे दिए गए, हम देख सकते हैं कि हवा के साथ साथ विगल कर रहा है जो पहले वाले में, बट इसके अंदर हवा के साथ हिल रहा है। बात करें ग्रास की, तो ग्रास के साथ भी सेम ही चीज है, हालांकि इसके अंदर ग्रास के प्रीवियस करने के टेक्सचर हम देख सकते थे कि मतलब जो है अभी चीज देखिए कि जब हम चलते हैं ना तभी ग्रास मूव करती है, कि हम चलते हैं तो हवा बनती है इससे ग्रास मूव करती है, बट रेगुलरली ग्रास से मूव नहीं कर रही, कोई टेक्सचर नहीं मिलता। बट इसके अंदर जो लीव्स है ये पुराने एडिशन से डाले गए, तो इसमें देखने में अच्छा लगता है। अब बात करते हैं इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको जाना है MCPDL की साइट से, फिर आपको डाउनलोड करना है। और अगर आपको इंस्टॉल कैसे करना है अगर आपको ये नहीं पता है तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं एक जल्दी से जल्दी एक शॉर्ट्स बना के छोड़ दूंगा। एंड शेडर्स का क्रेडिट जाता है इनके ओरिजिनल क्रिएटर्स को, तो MCPDL की लिंक इसीलिए भेज रखी। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपसे अगली कैसी मजेदार वीडियो में, तब तक